आरटीओ और रोडवेज की मेहरबानी शहर के आम लोगों के साथ पुलिस के लिए भी सिरदर्द बन चुकी है। व्यवस्था में ना तो रोडवेज के अधिकारी सहयोग कर रहे हैं और ना ही पालिका सड़क पर चल रहे वसूली ठेकों को खत्म कर रही है। शहर में सबसे ज्यादा बड़ी समस्याओं में जाम और अवैध रूप से सड़क किनारे बनाई गई पार्किंग शामिल है। इसकी वजह से शहर के हर मार्ग पर जाम लगता है। शहर के प्रमुख चौराहों पर टग्गा मार वाहन चालकों ने अतिक्रमण कर लिया है। ट्रैफिक पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी वाहन चालक काबू में नहीं आ रहे। यहां है सड़कों पर अवैध स्टैंड टग्गा मार वाहन। चालकों ने शहर में करीब दर्जन भर स्थानों पर अवैध वाहन स्टैंड बना रखे हैं। इसकी वजह से शहर में जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे जाम लग रहा है। इन मार्गों पर दौड़ते हैं टग्गा मार। जिले भर में टग्गा मार वाहन धड़ल्ले के साथ दौड़ रहे हैं। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता गुलाब शर्मा की खास रिपोर्ट। ट्रैफिक पुलिस और ऑटो संचालक की वजह से हो सकता है यहाँ पर बड़ा हादसा। आज हम कानपुर के नौबस्ता चौराहे पर, जहाँ से यहाँ कई राजमार्ग निकले हुए हैं, जहाँ की बड़ा चौराहा माना जाता है कानपुर का, जहाँ की यहाँ पर देखने पर बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरीके से पूरे हाईवे पर रोड ऑटो संचालक कब्जा कर रखे हैं और दूर तक देखिए किस तरीके से कितनी अवैध स्टैंड बना रखे हैं। आखिर ट्रैफिक पुलिस मौजूद जरूर रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए ट्रैफिक पुलिस की शरण में यहां चल रहा है अवैध स्टैंड। किसी दिन हो सकता है यहां पर बड़ा हादसा।